आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग करते हैं शुरू अल्लाह की रहमत करम और फजल के साथ। और आज हम किधर जा रहे हैं? कपड़े देने थे धोबी को, तो उधर आज कपड़े देने थे हमने धोबी को, वो देने जा रहे हैं जी। हमने उठाए हुए हैं शॉपर में, तो पकड़ शॉपर फट गया, कपड़े देने थे धुलाई के लिए। धोबी है कहाँ पे? वो आगे जा गया ना। हम डिफेंस में रहते हैं लेकिन धोबी बाहर होता है मोहल्ले में, तो काफ़ी दूर है, बाइक हमारे पास है नहीं, ना ही साइकिल है। साइकिल एक है, दो बंदे उस पर कैसे जाएं? और साइकिल पे मज़ा भी नहीं आता ऐसे ना, मुझे चलाना भी नहीं आता। वो छोटे थे हम, जब 10 साल पुरानी बात है ना, हम छोटे थे तो साइकिल चलाते थे डेली, बहुत शौक होता था हमें साइकिल चलाने का। अभी सब शौक वगैरह हमारे जो है ना ख़त्म हो चुके हैं अभी बस हमारा एक ही शौक है। कौन सा? मामू तो की शादी है, आप समझ जाएं हाँ पहला शौक तो है शादी करवानी है, और अल्लाह खैर के फिर 6 महीने बाद जो है ना सऊदी अरब जाना है। सऊदी अरब जाना है, मैं ऐसे कह रहा हूँ यूरोप चलें, कहते हैं यूरोप नहीं जाना, सऊदी अरब जाना है। सऊदी जाना है, वहाँ यार हर बंदा हर जुमे को बंदा उम्रा कर लेता है, बड़ा मज़ा आता है, मुझे शौक है वहाँ जाने। जब शादी हो जाएगी ना, इसने घर से बाहर भी नहीं निकलना, इसने कहना है बस इधर ही कुछ ना कुछ मिल जाए, बस गुजारा हो जाए हमारा। एक इधर है तो भी डिफेंस में, उसके पास चलते हैं। वो कितने पैसे लेता है? ज़्यादा ही लेते हैं यहाँ वाले डिफेंस वाले, तकरीबन 250 लेते हैं। इतने भी ज़्यादा नहीं, 250 लेंगे। वाशिंग वेयर है, चलो जो भी है पता चल जाता है। यहाँ सामने दुकान है, क्या लिखा हुआ है? DHA लॉन्ड्री, दो भी लिखो भी लॉन्ड्री की होता है। अभी हम पहुँचे हैं लॉन्ड्री के पास DHA लॉन्ड्री। पैसे बहुत ज़्यादा ले गए लगता है ऐसे मुझे दुकान से। ये वाली दुकान है DHA में जी, बोली देखते हैं क्या कहता है, पता करो। हमने कपड़े दे दिए धोबी को, इतने ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा था, 150 ले रहा है फिर भी ज़्यादा है, 120 लेते हैं। दिखाएं पर्ची, दिखाओ पर्ची, इसने पर्ची बटवे में डाल दी, कहता है अब क्या दिखाना, 150 ले रहा है वैसे ये, फिर भी सही है, 3 दिन में मिल जाएंगे। आगे बहुत दूर है, पैदल जाएं फिर धोबी को ढूंढें, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, मोहल्ले में इतना बहुत ज़्यादा पानी होगा। मामू और मैं आए थे आज बर्गर खाने, और आज हमें कोई शॉप वगैरह मिली नहीं है, हम इधर ही खा रहे हैं इस जगह पे, यहाँ से हम बर्गर ले रहे हैं। यहाँ हम अभी आ चुके हैं वापस, बाज़ार गए थे, 1 किलोमीटर सफ़र था बस, अब टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है बस क्या हमने थोड़ा थोड़ा सामान लिया, थोड़ा सा मामू ने, थोड़ा सा मैंने, कपड़े भी धोबी को दिए थे। अभी रात हो चुकी है, बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये जो है ना डिफेंस की जंगल वाली जगह है, इस साइड पे जंगल है बिल्कुल, जिस साइड पे मामू जा रहे हैं अंधेरा है बिल्कुल, और इस साइड पे घर है, थोड़ी लाइटें हैं जंगल में, लाइटें वगैरह नहीं है। वापस आ चुके हैं हम, अभी मामू को देखो पसीना आया हुआ है, मुझे नहीं आया, मामू को आया हुआ है, इसने थोड़ा सा ना
एक किलो चीनी उठाई हुई है एक साबन एक आदमी दे चाहे एक आदमी के साथ एक साबन और एक किलो चीनी उठाई हुई है और इसको पसीना आ गया है। क्या होता है सियात होती है पसीना आना सियात होती है पहली बार सुना है मुझे तो सारा दिन पसीना आता है सियात ठीक है ना सियात ठीक हो तो फिर आता है पसीना ऐसे तो सुनो सुनो चंगा मामू की परली साइड पे देखो कितना सुनो सुनो चंगा है हमारी ना उर्दू थोड़ी सी वीक है बहुत ज़्यादा वीक है हम ये वाली गाड़ी ना ले लें खैबड़ खैबड़ है कौन सी है आज मैंने मामू को कहा है कि हम गाड़ी के ना टायर ले लेते हैं और गाड़ी अल्लाह खुद दे देते हैं बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं देखने वालों का शुक्रिया ना देखने वालों का भी शुक्रिया आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।